एंड अब मैं कुछ डिग्निटरीज को वन बाय वन करके मंच पे इनवाइट करना चाहूंगी उनकी स्पीच के लिए. एंड एक छोटी सी दरखास्त है मोरल परिवार की ओर से कि जितना भी कम टाइम में आप अपनी बात रख सकते हैं दैट इज गुड एनफ फॉर अस. एंड पहली स्पीच के लिए मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर विनोद यादव सर पर्ल क्राउन. कैन वी हैव यू ऑन द स्टेज प्लीज. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे. मुझे वो दिया है. अगर अचीवमेंट की बात करूं तो एक आम आदमी को विश्वास भी नहीं होगा. लोग सपने देखते हैं साथियों, लेकिन सपने उनके पूरे नहीं होते हैं. लेकिन जो व्यक्ति इस मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी में इस प्लेटफार्म पे आ जाता है, मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ लगा रहता है, वो अपने सपने तो पूरा करता ही करता है. अपने साथ आए हजार नहीं लाखों लोगों के सपनों को भी पूरा करता है. कहते ना, चलेगा वही जिसके कदमों में जान होगी, चलेगा वही जिसके कदमों में जान होगी, बोलेगा वही जिसके मुंह में जुबान होगी. न रुकना है न थकना है संघर्ष के सामने, मोरल में तो हर जिंदा इंसान की एक बड़ी पहचान होगी, एक बड़ी पहचान होगी. साथियों, इस कंपनी के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा, इस अतुलनीय संस्था के द्वारा मुझे लैपटॉप, बाइक, अल्टो कार, इंडिगोसियस कार, महिंद्रा एक्सयूवी, टाटा सफारी, महिंद्रा एक्सयूवी, उसके बाद का जो अचीवमेंट था आपका मर्सिडीज कार के बाद 1 करोड़ बंगला का भी अचीवमेंट हुआ है. और नेक्स्ट जो अचीवमेंट होने जा रहा है 5 दिसंबर 2024 को लखनऊ के इकेना स्टेडियम में, वो 2.5 करोड़ का फरारी होने जा रहा है. साथियों विश्वास करना है इस संस्था पे कि ये संस्था नैतिक मूल्यों को ऊपर रखते हुए, मानविक मूल्यों को ऊपर रखते हुए एक संपन्न भारत, एक गरीबी मुक्त भारत, एक बेरोजगारी मुक्त भारत, एक केमिकल मुक्त भारत का निर्माण करना चाहती है. क्या इससे बड़ा टास्क इस दुनिया में हो सकता है? तो हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसे कंपनी के साथ हैं जो इस देश को बदलना चाहती है, इस देश से बेरोजगारी मिटाना चाहती है,
गरीबी मिटाना चाहती है और यहाँ पे आपको मल्टी सेगमेंट बहु रास्तों पे काम करने का मौका मिलता है। यहाँ पे साधनों की भरमार है साधियों, यहाँ पे फार्मा है, एग्रो है, एफएमसीजी है, वेटनरी है, उसके बाद आपका रियल इस्टेट है, एमसीसीएसएल जैसी महान योजना है, उसके साथ क्रिप्टो करेंसी है जिससे लोगों ने बोरे भोरे भर के पैसा कमाया है। तो आपको हमें गर्व होना चाहिए कि हम ऐसी कंपनी के साथ काम कर रहे हैं जो कंपनी अपनी 17वीं वर्षगांठ मना के 18वीं वर्ष की एक जवान और मजबूत कंपनी होने जा रही है। हमें फख्र होना चाहिए, हमें गर्व होना चाहिए कि हम मोरल जैसी महान संस्था के साथ काम कर रहे हैं। साथियों कहते हैं ना, मोरल का नारा लगा के हम पूरी दुनिया में छा गए। अब तो अदर कंपनी वाले भी बोलने लगे हैं, ये देखो मोरल के दीवाने आ गए। तो मोहब्बत हो गई है मोरल तेरे नाम से, मोहब्बत हो गई है मोरल तेरे नाम से, अब तो लोग दीवाने हो जाएंगे इस मोरल के काम से। साथियों मैं जितनी भी प्रशंसा करूं या जितनी भी बातें करूं वो मोरल के लिए कम होगा साथियों, क्योंकि मोरल वो पेड़ नहीं जो टूट के गिर जाएगा, मोरल वो सूरज नहीं जो शाम को ढल जाएगा। मोरल तो दिलों की धड़कन है, मेरा वादा है ये सबके दिलों को धड़काएगा। तो साथियों मोरल एक मोहब्बत है, मोरल एक जरूरत है, मोरल एक हकीकत है, मोरल को पहचानने की जरूरत है। साथियों क्या हम सब तैयार हैं? क्या हम सब रियली में तैयार हैं? क्या हम मजबूत भारत बनाना चाहते हैं? क्या हम संपन्न भारत बनाना चाहते हैं? क्या आर्थिक रूप से हम देश को सशक्त बनाना चाहते हैं? तो दुनिया में मोरल ग्रुप जैसा प्लेटफॉर्म कोई हो ही नहीं सकता। साथियों कहते ना, रेत की जरूरत तो रेगिस्तान को होती है, चांद को जरूरत तो आसमान को होती है, अरे मोरल से एक बार जुड़ के तो देखो, क्योंकि हर लोगों को अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है, सर। तो साथियों मुझे मौका मिला इस ऐतिहासिक स्टेज से कुछ बोलने का, तो मैं चाहता हूं कि एक शहर के माध्यम से अपनी वाणी को समाप्त करूंगा। आसमां में बादलों की तरह छा जाओ, निकले हो घर से तो मंजिल को पा जाओ। ए जमाना तो रोकता है हर उभरने वालों को, मोरल पे करो विश्वास कि जमाने पे छा जाओ। कहते ना, समा बुझ के भी जल सकती है, किस्ती तूफान से भी निकल सकती है, अरे इरादा मत बदलो मायूस होकर, किस्मत तो मोरल से भी बदल सकती है। तो निगाहों से निगाहें मिलाकर तो देखो, मोरल वालों से रिश्ता बनाकर तो देखो, ए आसमां भी सिमट जाएगा तेरी बाहों में, एक बार चाहत की बाहें फैलाकर तो देखो। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय मोरल। मोरल जगाना है, मोरल जगाना है, मोरल जगाना है। थैंक यू साथियों, जय हिंद, जय मोरल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू। एक बार फिर से मोरल परिवार की तरफ से निवेदन है डिग्निट्री से कम समय में आप अपनी जितनी ज्यादा बात रख सकते हैं और वो सभी के लिए अच्छा होगा। थैंक यू सो मच।